हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सौरव कपूर है। मैं सीनियर स्पाइन सर्जन हूँ, दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं बड़े यूनिक प्रोसीजर के बारे में बात करूँगा। ये एक पेशेंट है, 30s 40s में है। इनको गर्दन में दर्द थी क्योंकि डिस्क बाहर निकल के गर्दन की नस को दबा रही थी। इस कारण से इनका राइट हैंड में दर्द जाता था। काफ़ी टाइम से बहुत कुछ ट्राई कर चुके थे। इनको एक सर्जरी बताई गई थी जिसका नाम है ACDF, एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टमी एंड फ्यूजन, जिसमें आगे से जाके वो नेचुरल डिस्क हटा के वहाँ पे आप स्क्रू और केजेस का एक डाल देते हैं। किसी कारण से ये करवाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, इनको अपनी नेचुरल डिस्क बचानी थी। तो इनकी दूसरी तरीके से मैंने सर्जरी की, जिसको हम माइक्रो एंडोस्कोपिक सर्वाइकल लेमिनोफोरामिनोटमी कहते हैं। इसमें पीछे से ट्यूब्स डाल के, एंडोस्कोप डाल के, नस के ऊपर से हड्डी जो नस को दबा रही है उसको हटा देते हैं, जिसके कारण नस पीछे चली जाती है, जिसके कारण हाथों का दर्द इंस्टेंटली रिलीफ आ जाता है। इससे आपका नेचुरल डिस्क नहीं हटेगा, इससे बड़ा इंसीजन नहीं है, आधे घंटे में सर्जरी हो जाती है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। देखिए आप क्या इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये जैन साहब का MRI है, आप देख सकते हैं। ये C2, C3, C4, C5, C6, C7 स्पाइन के, सर्वाइकल स्पाइन के वर्टिब्रे या मनके हैं। ये मेन कमर की नस है। ये नस के आगे सफ़ेद पानी होना चाहिए, बट यहाँ पर खासकर C5, C6 और C6, C7 में ये डिस्क बाहर निकल रही है। इसी कारण से इनकी नसें दबी हुई थी, राइट में ज़्यादा थी, इस कारण से इनकी राइट हैंड में दर्द आ रहा था। इनकी सर्जरी हमने पोस्टीरियर अप्रोच से करी, जिसमें हमने एंडोस्कोप डाल के छोटे से इंसिजन से दोनों लेवल्स पे कंप्रेशन हटा दिया। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ 1 घंटे में सर्जरी हो गई और पेशेंट अगले दिन डिस्चार्ज के लिए तैयार हो जाता है। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कपूर है। मैं सीनियर स्पाइन सर्जन हूँ, दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मेरे साथ में अमित जैन जी है। अमित जैन जी, आपकी उम्र कितनी है? 39। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे बहुत ज्यादा सीधे पेन था राइट हैंड में और अपर बैक में। तो फिर क्या बताया गया कि क्या दिक्कत है आपको? डॉक्टर ने मुझे बोला था ये लैप्रोस्कोपी ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी। ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी और डिस्क रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। डिस्क रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो आपको ये जो दर्द था ये किस कारण से बताया गया था? डिस्क नस को दबा रही थी, इस कारण से था? हाँ, यही बताया गया था, डिस्क नस को दबा रही थी। तो ये आपने फिर सर्जरी क्यों नहीं कराई, आपने जो ओपन सर्जरी जो है? फिर मुझे पता चला, फिर मैंने सिटी स्कैन कराया, तो उसमें ये भी आया कि एक कैल्सिफिकेशन हो गया है डिस्क के ऊपर, उसके वो भी नस को दबा रही है। तो फिर मैंने डॉक्टर कपूर को कॉन्टेक्ट किया, मुझे फ्रेंड के थ्रू इनका नंबर मिला। तब मैं सर के पास आया और फिर सर ने बताया कि एंडोस्कोपी थ्री भी ये इस पेन से मैं रिलीफ पा सकता हूँ बिना डिस्क रिप्लेसमेंट के। चलो वेरी गुड। तो आपकी सर्जरी हुए 2 दिन हो गए हैं, अब आपका हाथ में दर्द कैसा है? अब ऑलमोस्ट चला गया है, बहुत ही माइंड सा दर्द है, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, अभी आप चल भी लिए हैं, स्टेयर्स भी क्लाइंब कर लिए हैं, अब घर जाने को तैयार है? बिल्कुल। काम पे कब जाएंगे दोबारा? ये तो बाय मंडे ट्यूसडे शुरू कर देंगे। हाँ जी, चलो वेरी गुड, थैंक यू। सर्वाइकल जो लेमिनोफोरामिनोटमी प्रोसीजर है, उसमें पीछे से हम एंडोस्कोप डाल देते हैं। एंडोस्कोप डाल के आप देख सकते हैं, ये कमर की नस है, ये हड्डी के एरिया है जो नस को दबा रहा है, आगे से डिस्क भी नस को दबा रही है। तो हम बजाय डिस्क को हटाने के ये हड्डी का एरिया हटा देते हैं, जो मैंने मार्किंग कर रखी है। ये हटा के ये नस जो है वो पीछे से फ्री हो जाती है और पीछे की तरफ झूल जाती है, जिसके कारण नस पे प्रेशर हट जाता है और हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये सर्जरी बहुत ही यूनिक सर्जरी है, हर कोई कर नहीं सकता। एंडोस्कोपिक सर्जरीज, माइक्रो एंडोस्कोपिक सर्जरीज बहुत ही स्पेशलाइज प्रोसीजर है। आप देख सकते हैं कि ब्लड लॉस कितना कम है, छोटे इंसिजन से है, पेशेंट अगले दिन डिस्चार्ज के लिए तैयार है। कोई गले में खराश आना, जो ACDF की सर्जरी के नुकसान होते हैं, गले में खराश आना, आपको कई दिन लग जाते हैं रिकवर करने में, इंसिजन थोड़ा बड़ा आता है जो दिखाई भी देता है सामने से। तो उसमें कई बार ACDF सर्जरी में ऐसा भी होता है कि खाने में दिक्कत आती है, आप खाना खाते हैं तो निवाला अंदर नहीं जाता, इसको डिसफेजिया कहते हैं। ये सर्जरी जो पीछे से करते हैं, इसमें ये सब कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें बड़ी जल्दी रिजल्ट आता है और सेफ है, बिल्कुल बढ़िया। पेशेंट अपने काम में हफ्ते 10 दिन में तो ये काम पर जाना भी शुरू कर देंगे। अगर आपको ये सर्जरी करानी है तो ज़रूर आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। सर्वाइकल लेमिनोफोरामिनोटमी बहुत ही रेयर सर्जरी है, हर कोई नहीं कर सकता, और इसका रिजल्ट अच्छे हाथों में बेस्ट है।